Class, I am your SST teacher of class 7th. Today we will continue the explanation of chapter number 2 of civics, which is on page number 129. Open page 129. Yes, today we will continue with the explanation and reading of the chapter from role of the chief minister and the council of ministers. तो हम स्टार्ट करते हैं. पावर लाइक प्रेसिडेंट एट द सेंटर द गवर्नेंस इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट. जो गवर्ने प्रेसिडेंट की पावर के बाद प्रेसिडेंट तो क्या है, सेंटर में आता है. उसके बाद क्या आता है, गवर्नर, जो कि एक स्टेट का हेड होता है. द रियल पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. जो रियल पावर्स होती हैं एक स्टेट की, वो किसके पास होती हैं, चीफ मिनिस्टर के पास, और उसके जो छोटे मोटे मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास. अदर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द प्रेसिडेंट. और जो गवर्नर की पावर होती हैं वो किससे मिलती जुलती हैं, प्रेसिडेंट से मिलती जुलती हैं, मतलब उसे काफ़ी पावर्स मिलती हैं. द गवर्नमेंट सॉरी गवर्नर अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द एडवोकेट जनरल. जो गवर्नमेंट है वो किसे अपॉइंट करता है, एक चेयरमैन और उसके मेंबर्स को, किसके, स्टेट्स के, और उसके सर्विस कमीशन को या फिर एडवोकेट जनरल को. एडवोकेट मतलब क्या होता है, लॉयर. यूजुअली द चीफ मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. जो चीफ मिनिस्टर होता है वो किसका मेंबर होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का. Sometimes a person who is not a member of the newly constituted assembly can also be appointed as a chief minister. कभी कभी क्या होता है, वो person जिसको member नया नया आया उसे member नहीं बनाया जाता, कभी कभी वो भी chief minister बन जाता है. In such a case he must get himself elected. इस केस में क्या होता है, उसको अपने आप को जीतना पड़ता है. इलेक्टेड मतलब जीतना टू द असेंबली विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीनों के अंदर अंदर. ये कौन है, ये है केजरीवाल, द प्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली. यूपी का चीफ मिनिस्टर कौन है, योगी आदित्यनाथ. द चीफ मिनिस्टर्स इज अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स. चीफ मिनिस्टर है वो कब तक के लिए होता है, 5 सालों के लिए होता है. जैसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होता है वैसे ही चीफ मिनिस्टर होता है. His term of office may be cut short if he fails to take the confidence of the majority of the members of the Vidhan Sabha. वो chief minister कब बन सकता है, तभी बन सकता है जब उसमें power हो कि जिससे कि वो कभी हारे ना और विधानसभा के सामने अपनी काबिलियत दिखा सके, तभी वो क्या है, तभी वो बन सकता है chief minister. अब चीफ मिनिस्टर्स की पावर्स क्या होती हैं वो पढ़ते हैं. द चीफ मिनिस्टर इज़ द रियल हेड ऑफ द स्टेट. जो चीफ मिनिस्टर है वो स्टेट का रियल हेड है. ही और शी एडवाइजेज द गवर्नर फॉर द सिलेक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इट्स साइज. जो अगर वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही क्या करते हैं, गवर्नर को एडवाइस देते हैं कि आप किसके लिए, अपनी स्टेट के लिए और उसकी सेवा के लिए. ही प्रिसाइड्स ओवर मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट. वो क्या करते हैं, मीटिंग्स भी करते हैं जिससे कि हम वो लोग अच्छे डिसीजंस ले सकें सिटीजन्स के लिए. अदर पावर्स ऑफ दिस चीफ मिनिस्टर्स इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोस टू अदर मिनिस्टर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्टी मिनिस्टर इफ सो डिज़ायर्ड. दूसरी पावर क्या है चीफ मिनिस्टर के पास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोस. ये क्या होता है, एक अलग अलग मिनिस्टर्स को देते हैं और फिर उनके पीछे, जो अगर वो कहीं एब्सेंट हैं तो उनके पीछे क्या होता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जब भी डिज़ायर मतलब जब भी ज़रूरत पड़े तभी. ही और शी मे रिटेन चेंज ऑफ सम पोर्टफोलियो. वो क्या करते हैं, वो चेंज करते रहते हैं, चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर. अभी चीफ मिनिस्टर और गवर्नर क्या होने पड़ते हैं, द चीफ मिनिस्टर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द गवर्नर. चीफ मिनिस्टर अब क्या है, एक लिंक है किस किस के बीच, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स के बीच. ओके, द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कम्युनिकेटेड टू द गवर्नर बाय द चीफ मिनिस्टर. जो डिसीजंस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच, वो किससे पास होके जाते हैं, चीफ मिनिस्टर से भी पास होते हैं, मतलब उसका चीफ मिनिस्टर का भी उसका योगदान होता है, उसके वो डिसीजन होता है.
The governor may ask for information on any matter concerning the states from the chief minister. Governor कुछ भी करने से पहले किससे पूछेगा? Chief minister से पूछेगा, क्या ये सही है, क्या मैं इसको आगे बढ़ा दूँ? The chief minister of the state holds a very important position. Chief minister है, उसकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी important position है कि state government के लिए. He is very powerful that only as long as he commands a majority in the legislative assembly. उसके पास इतनी power होती है कि वो अगर एक बार में अगर किसी को command कर दे तो वो चीज़ होनी ही है legislative assembly में. However, if the chief minister heads a coalition government, he has to act with great tact and caution. जब वो chief minister किससे बनता है? Coalition government, मतलब दो government से बना के बनता है तो उसको क्या परेशानियाँ होती हैं और दुख दिक्कतें भी उसकी उस लाइफ में आती हैं. He has to carry the coalition partners with him. उसे क्या, वो अब अकेला जीतेगा तो अकेला चलेगा, लेकिन अगर हम किसी की हेल्प ले रहे हैं तो उसे भी उस coalition government को उसको साथ लेना लेके चलना पड़ता है. With him even though some of them may have policy differences, लेकिन सबके वही बात है ना, सबके सोचने के तरीके अलग हैं तो इससे क्या होता है, परेशानी होती है. The efficiency of the government in such cases often compromised. जो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी है उसको भी हम कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं. ये कौन है? योगी आदित्यनाथ, द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश. नाउ नेशन और स्टेट. अ स्टेट इज डेफिनेट टेरिटोरियल यूनिट. जो स्टेट है वो क्या है? एक टेरिटोरियल यूनिट है. इट हैज़ एन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट. उसके पास एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है जो कि किसी पर डिपेंड नहीं है. A nation is a group of people having a common racial origin. लेकिन नेशन क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें सिर्फ एक कॉमन रेशियल ऑरिजिन है. अदर कॉमन फैक्टर्स दैट मेक अ ग्रुप ऑफ पीपल अ नेशन आर रिलीजन, कल्चरल एंड रिलीजन. अलग ग्रुप ऑफ फैक्टर्स क्या है? ये नेशन को मिलकर बनाते हैं. नेशन किस में आता है? कल्चरल हो जो कि और रिलीजन हो. मोस्ट मॉडर्न स्टेट्स हाउएवर डू नॉट इंसिस्ट ऑन सच रिलीजन सच एज अ प्री कंडीशन. कुछ आजकल तो मॉडर्न सब कुछ चल रहा है तो कुछ मॉडर्न स्टेट्स ऐसी हैं जो इन रिलीजन्स वगैरह को समझती नहीं हैं. द इस्लामिक स्टेट्स आर ऑल्सो सेक्यूलर स्टेट्स. इस्लामिक स्टेट्स हैं वो भी सेक्यूलर हैं, मतलब उन्हें भी सारे राइट्स हैं. अब तो पीपल लिविंग इन सेक्यूलर स्टेट्स एन्जॉय सम सिविक एंड पॉलिटिकल राइट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन फेथ. जो लोग सेक्यूलर स्टेट्स में रहते हैं क्या एन्जॉय करते हैं? सिविक एंड पॉलिटिकल राइट्स एन्जॉय करते हैं जो हमें गवर्नमेंट से मिली है. उन वो ना किसी रिलीजन वगैरह का कोई चिंता नहीं है, वो सिर्फ एक साथ मिलकर अपने प्यार से रहते हैं, एन्जॉय करते हैं अपनी लाइफ को. इन अ नेशन स्टेट देयर आर नंबर ऑफ कॉमन सेंटीमेंट्स दैट होल्ड द पीपल टुगेदर पॉलिटिकली. सेंटीमेंट्स मतलब फीलिंग्स. नेशन में क्या होता है? हर एक मेंबर के अपने अपने देखने का नज़रिया होता है, अपनी अपनी फीलिंग्स होती हैं जो कि एक पॉलिटिकली एकजुट बनाना नेशन का ज़रूरी है. नो स्टेट कैन एंड्योर इफ द पीपल आर नॉट पेट्रियोटिक. कोई भी स्टेट कुछ नहीं कर सकता जब तक लोग पेट्रियोटिक मतलब अपने देश की चिंता नहीं करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता. अ कॉमन लैंग्वेज हेल्प्स इन बॉन्डिंग द पीपल टुगेदर. एक कॉमन लैंग्वेज है जो सब लोगों को एक साथ रहती है. विच इज जर्मनी और फ्रांस टू हैव अ कॉमन लैंग्वेज, बट कंट्रीज लाइक इंडिया रिकोगनाइज मोर देन वन लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पज. जो जर्मनी और फ्रांस है उनमें क्या है, सिर्फ एक ही लैंग्वेज है, लेकिन जो कंट्रीज हैं जैसे इंडिया में 22 लैंग्वेज हैं अलग अलग. तो वही है कि अलग अलग ऑफिशियल पर्पज से अलग अलग लैंग्वेजेस इंडिया में बनाई गई हैं. इन आर केस, हमारे केस में क्या होता है, द स्टेट्स फॉलो द रीजनल लैंग्वेज ऑफिशियली वाइल इंग्लिश रिमेन्स अ लिंक लैंग्वेज. हमारे में क्या होता है, हर एक स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है. तो हाँ, जो स्टेट्स हैं इसमें क्या है, अपने उसी लैंग्वेज में उसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, उसी लैंग्वेज में उसके रीजनल लैंग्वेज में उसकी सिर्फ उसी की बातें उसी लैंग्वेज में लिखी हैं जितना भी सब कुछ लिखा है. और जो इंग्लिश है वो एक लिंक लैंग्वेज है. लिंक लैंग्वेज मतलब कहीं भी वो चल सकती है, मतलब सारे स्टेट्स में वो कैसी फुल लैंग्वेज है, कॉमन लैंग्वेज है. ना हिस्टोरिकली ब्रिटिश रूल मेड पॉसिबल द इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ द कंट्री इनटू अ सिंगल स्टेट. जो अब पहले हमने हिस्ट्री में पढ़ा के ब्रिटिश रूल ने सारी ये जो हमारी दिक्कतें हैं वो बहुत कम कर दी, उनने बहुत सारी चीज़ें डेवलप करें जिससे कि इंडियंस को खबर भी नहीं थी. देयर वर शॉर्ट पीरियड्स ड्यूरिंग द एंशियंट द मेडिवल टाइम्स व्हेन मोस्ट पार्ट्स एट कॉम्प्रोमाइज ज्योग्राफिकल इंडिया वर अंडर वन सेंट्रल कमांड.
क्या था, जब बहुत ही छोटे छोटे दिन होते थे, शॉर्ट पीरियड होता था एंशियंट और मेडिवल टाइम्स में, तो क्या होता था, जो ज्योग्राफिकल इंडिया इंडिया पे अटैक हो गया था, ब्रिटिशर्स ने अटैक कर दिया था, तो क्या था, इंडिया पे सिर्फ एक ही सेंट्रल कमांड थी, मतलब सिर्फ एक ही चलाता था इंडिया को और किसी के पास कुछ नहीं था। नॉट विद स्टैंडिंग द डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस रिलीजन एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, अ कॉमन थ्रेड ऑफ इंडियंस हैज ऑलवेज बाउंड टुगेदर टू पीपल लिविंग अक्रॉस द अक्रॉस फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड गुजरात टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इसमें क्या है, इसमें ये है कि उस समय तो किसी के पास कोई डाइवर्सिटी नहीं थी, मतलब सब एक साथ नहीं रहते थे, लड़ते झगड़ते थे क्योंकि ब्रिटिशर्स का हमला हो गया था। अब जो ब्रिटिशर्स कहेंगे वही होता था, रिलीजन के नाम पे लड़ते थे, कल्चरल प्रैक्टिस सबकी अलग अलग होती थी, अब भी होती है, लेकिन अब क्या है, लड़ते नहीं है, तो क्या है, एक कॉमन थ्रेड हो गई है इंडियंस की कि वी आर इंडियंस, तो वो एक साथ रहते हैं, मिलकर रहते हैं, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी हो या फिर गुजरात से नॉर्थ ईस्टर्न, सारी स्टेट्स जो भी नॉर्थ ईस्ट में आती है वो सारी स्टेट हो, तो वो क्या है, सब एक धागे में बंधी हुई हैं जो कि किसी को तोड़ना बहुत मुश्किल है। अब तब तो किसी को समझ नहीं थी, बट अब क्या है, सब पढ़े लिखे हो रहे हैं, इलिटरेट हो रहे हैं, तो सबको समझ आया है। नाउ ग्रीन रिवॉल्यूशन, लाल बहादुर शास्त्री वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड सेकेंड फेज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इंस्टीट्यूटेड। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे जब दूसरी फेज आई लैंड फॉर्म्स की। द मेन पर्पज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज टू इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी इन सर्टेन स्टेट्स ऑफ द कंट्री। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन पर्पज क्या था, कि जो हम अलग अलग स्टेट्स हैं उनको टेक्नोलॉजी के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाए, पता चले उनको। द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड तमिलनाडु यूज द टेक्निकल चेंज एज देयर वर फेवरेबल कंडीशंस फॉर सच चेंजेस। जो ये स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, तमिलनाडु, इनके क्या थे, टेक्निकल चेंज थे, क्योंकि इनके जो कंडीशंस, मतलब क्लाइमेट वगैरह चेंज होता रहता था, तो इनको क्या थी, टेक्नोलॉजी की ज़्यादा ज़रूरत थी। टू इम्प्रूव प्रोडक्शन इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड हाई यील्डिंग वेराइटी, HYV सीड्स होते हैं, इससे क्या होता है, हाई यील्डिंग वेराइटी के सीड्स हैं ये, एंड न्यू टेक्नोलॉजी, ये क्या है, ये भी टेक्नोलॉजी है, ट्रैक्टर्स, पावर, ये सब उन्होंने क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे कि लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। द गवर्नमेंट्स मेन टारगेट वॉज टू इंक्रीज प्रोडक्शन बाई 40% इन द ईयर 1980। गवर्नमेंट ने ये सब क्यों किया, उनका मेन टारगेट यही था, जिससे कि जो फूड प्रोडक्शन है वो 40% ज़्यादा हो जाए। लीडर्स लाइक एन जी रंगा एंड चरण सिंह प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द फर्स्ट फेज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। ये तो क्या थे, सेकेंड फेज के थे लाल बहादुर शास्त्री, एक लीडर्स थे एन जी रंगा और चरण सिंह, इन्होंने फर्स्ट फेज में भी बहुत इंडिया को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इट वॉज द लेजेसी ऑफ द पीजेंट मूवमेंट ऑफ द प्री इंडिपेंडेंस एरा। वो क्या थे, एक लेजेसी थे, मतलब बहुत ज़्यादा सबको किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, सबको इक्वल लेते थे, उस समय ये बहुत मायने रखता है। द सेकेंड फेज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स मेड इंडिया सेल्फ सफिशियंट इन फूड प्रोडक्शन। लेकिन जो सेकेंड फेज आई इंडिया की, वो क्या है, लोग अब खुद पे ही निर्भर हो गए कि अब हम ये कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, जो किससे इम्प्लीमेंट हुई थी, गवर्नमेंट से इंट्रोड्यूस हुई थी। देयरफॉर मेन कंक्लूजन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर, तो इससे क्या हुआ, फर्स्ट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल स्टेट एंड लोकल लेवल वॉज प्रोवाइडिंग लैंड टू टिलर और गोपाल इन रियलिटी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था गवर्नमेंट का, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो या लोकल लेवल पे हो, सिर्फ लोगों को उनके पास लैंड पहुंचाना, जिससे क्या हो, फूड प्रोटेक्शन ज़्यादा हो। देयरफॉर गवर्नमेंट एबोलिश द जमींदारी सिस्टम एंड इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जमींदारी सिस्टम, जैसे पहले जमींदार होते थे, सिर्फ वही हुक्म चलाते थे और पीजेंट्स काम करते थे, ये सब क्या हो गया, बंद हो गया, और उन्होंने टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, जो टेक्नोलॉजी अब आ रही है, उसे इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे कि फूड प्रोडक्शन अच्छा हो सके। सेकेंड, टू इम्प्रूव फूड प्रोडक्शन, इम्प्रूव फूड प्रोडक्शन के लिए जैसे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जमींदारी सिस्टम को एबोलिश कर दिया, एबोलिश मतलब ख़त्म कर दिया, लेजिस्लेशन, सीलिंग टेक्नोलॉजी एंड इरीगेशन टेक्निक, इन सबको क्या हुआ, इन सब का यूज़ हुआ, इरीगेशन टेक्निक्स, कैसे कैसे हम इरीगेशन कर सकते हैं, अपने क्रॉप को अच्छा बना सकते हैं। थर्ड, दीज रिसोर्सेज हैव बेनिफिटेड सर्टेन लोकेलिटीज ऑफ कम्युनिटीज़। ये रिसोर्सेज क्या है, कुछ कुछ लोकेलिटीज़ में बेनिफिट भी हुआ इसका। स्कीम्स लाइक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड कोऑपरेटिव्स वर सक्सेसफुल एज गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू टेक दीज रिफॉर्म्स टू द
अटेंडेंस, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारे बारे में सोचा कि जिससे कि फूड प्रोडक्शन, ये मेन ऑब्जेक्टिव क्या था उनका, फूड प्रोडक्शन ज़्यादा हो, कितने परसेंट हो, 40%, यहाँ बताया था ना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अय्यंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सतुल्ला, बी एल मित्तर, टी टी कृष्णा मचारी, डी पी खेतान, इफेक्टिव एंड सस्टेन क्रिटिसिज्म बाय ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑपोजिशन प्रिवेंट्स अ गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग ऑटोक्रेटिक। इन ये जो लोग हैं इन्होंने भी बहुत योगदान दिया, जैसे बी आर अम्बेडकर ने दलित्स को, दलित थे वो भी एक, तो उन्होंने दलित्स पहले क्या था, दलित्स को पढ़ाई नहीं पड़ती थी, दलित क्या है, एक कास्ट है, वो छोटी जाति माना था, तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट से वो लड़े जिससे कि उन्हें अपना राइट मिल सके। इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेक द गवर्नमेंट अ मोर एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। इस इन सबसे क्या हुआ, इन लोगों ने गवर्नमेंट को अपना बताया कि ये गलत है, जिससे क्या हुआ, डेमोक्रेसी और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। द स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द पार्टी सिस्टम। अब ये जो गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी, मतलब सब इक्वल हैं, ये किस क्या बनाती है, पार्टी सिस्टम, लोग भी खुश होते हैं। The members of the party in power are organized into cohesive and united force, disciplined and pursuing common objectives and policies. ये सब ये member है party के, ये क्या है, क्यों organize करते हैं, cohesive और united मतलब एकजुट, मतलब सब एक साथ रहें, discipline में रहें और pursuing common objective, और जो सबका जो object है, जो objective है, जो वो चाहते हैं, वो सबका क्या हो, common हो। Opposition party always get ready to take over the responsibility of the government whenever the occasion arises. एक opposition party होती है, opposition मतलब विरोधी party, तो क्या करती है वो, जब भी किसी कोई परेशानी हो जाती है या फिर कोई खुशी की occasion arise हो जाता है, तो वो हमेशा government को take over करने के लिए ready रहती है, जिससे कि भी लोगों को परेशानी ना हो। तो ये था आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, ये आपके वार्म अप एक्सरसाइज है, यू हैव टू डू इट। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय।